अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है। चांदला के ग्राम बदोरा पहुंचे राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने 22 जनवरी को घर घर दीपक जलाने का आह्वान किया। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ होने वाला है। इसे लेकर छतरपुर जिले की चंदला सीट से भाजपा विधायक और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ग्राम बदोरा में कलश यात्रा में शामिल हुए। आज जो हम ग्राम बदोरा में आए हैं, तो आपको पता है कि 22 जनवरी को भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। उद्घाटन है माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के तमाम हमारे नेतागण, हमारे संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग 22 जनवरी को अयोध्या में पहुँचेंगे। हम घर घर निमंत्रण दे रहे हैं, पत्रक बांट रहे हैं, कलश यात्रा के माध्यम से जागृत कर रहे हैं कि 22 तारीख को घर घर दीपावली मनाएं, दीप जलाएं, मंदिरों में मनाएं, सब जनाएं, अयोध्या चलें, ये सब निमंत्रण बांट हम सब लोग। चंद्रानी के क्या विशेष तैयारियां हैं? चंदला विधानसभा के लिए क्या विशेष तैयारियां हैं? 22 तारीख को लगभग सभी मंदिरों में दिवाली, घरों घर में दिवाली, हर घर में दिवाली मनाने की तैयारी है, दीप जलाने की तैयारी है। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? कार्यकर्ताओं को यही संदेश है कि कार्यकर्ता और जनता जनार्दन से मेरा आग्रह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का आग्रह लेकर हम सब लोग आए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, भारत के प्रत्येक हिंदू के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्य बन गया, उद्घाटन हो रहा है। हम सबके गौरव की बात है। 22 जनवरी को हम सबको दिवाली दोबारा दूसरी दिवाली मनाना है।